हाँ तो प्यारे कप्तान, देखो आज की स्टूडियो में बात करने वाले भैया कि मान लो आप डिप्टी कलेक्टर बन गए, प्री मेंस इंटरव्यू दिया, खूब मेहनत करी, डिप्टी कलेक्टर बन गए, पर तुम्हारा यूपीएससी देने का मन ही नहीं, उन्होंने कब नहीं लगे यार पढ़ाई में मन, ठीक कोई बात नहीं, पर आपको सपना नहीं, हम बनेंगे तो आईएएस बनेंगे, भले कुछ भी हो जाए आईएएस बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप डिप्टी कलेक्टर बने हो तो आईएएस भी बन सकते हो, भगवान पे भरोसा रखो बनोगे, पर कैसे बनोगे वो देखो, डिप्टी कलेक्टर बने तो दो तरीके आईएएस बनने के, या तो तुम जाओ यूपीएससी में टॉप कर दो जाके, पर वो हो नहीं रहा अपने से, तो डिप्टी कलेक्टर बन जाओ, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा पर बन जाओ, जिससे कोई दिक्कत नहीं। अब डिप्टी कलेक्टर बन गए तो तुमको 6 साल लगेंगे फिर क्या बनने में, ज्वाइंट कलेक्टर बनने में, ज्वाइंट कलेक्टर बोले तो संयुक्त कलेक्टर होता भैया, जो डिप्टी कलेक्टर से बड़ा होता है, जिसको बनने में 6 साल लग जाएंगे, उसके बाद में तुमको बाकायदा ज्वाइंट कलेक्टर के बाद में तुमको बनना पड़ेगा एडिशनल कलेक्टर। अब एडिशनल कलेक्टर क्या होता है, ये इससे बड़ा होता है, ठीक है, इसको बनने में 4 साल लगेंगे, तो 6 × 4 = 10, मतलब 10 साल तो यहीं की जगह हो गए तुमको एडिशनल कलेक्टर बनने में। अब तुम एडिशनल कलेक्टर बन गए, उन्होंने एक नहीं और बड़ा अधिकारी बनूंगा, भले कुछ भी हो जाए बन जाओ कोई दिक्कत नहीं। अब तुम एडिशनल कलेक्टर बनने के बाद में तुमको आईएएस तो बना देंगे, पर आईएएस बनाने के पहले ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेंगे तुम्हारा, कि तुमने किसी कंपेटे साठ नहीं कर दिए, किसी कंपेटे में इतनी धर दिया, मतलब तुम्हारा सिस्टम की पता चले, तुम साल भर में 6 महीने छुट्टी मना ले, लद्दाख चले गए, जम्मू कश्मीर चले गए, कहां चले गए, तो वो वाला सिस्टम नहीं होना, तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, उन्होंने कहा अधिकारी बढ़िया है, अच्छा आदमी है, सज्जन आदमी है, इसको बनाओ यार आईएएस बनाओ, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा जो तुमको झेलेगी, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये आदमी सही नहीं है, तो राज्य से देंगे तुम ही झेलो। अगर मान लो रिजेक्ट कर दिया उन्होंने तुमको, मतलब बहुत सारी चीजें देखते हैं, सारी कैसे बता दूं, समझो यार बात को, पर चीजें देखते हैं, तुम्हारा काम देखते हैं, तुम्हारा वो सारा दबदबा देखते हैं, माहौल, तुम्हारी पहचान भी है कि नहीं है, सारी चीजें, तो वो वाला अगर है तुम्हारा तो तुम आईएएस बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं लगेगी। लेकिन यहाँ पे भी एडिशनल कलेक्टर बनने के बाद भी 6 से 8 साल लग जाते हैं। 6 से 8 साल क्यों लग जाते हैं, किसी की पहचान कम, किसी की पहचान ज्यादा, मतलब ये देखो ये होता है इंडिया में, रियलिटी बताऊं तो। लेकिन कहीं तो भी तुम्हारा काम भी मैटर करता है, तुम्हारा काम कितनी बार ट्रांसफर हो रहा है, मान लो किसी व्यक्ति का हर एक महीने में ट्रांसफर हो रहा है, तो कायदे का आदमी है, क्योंकि वो व्यक्ति रिश्वत नहीं लेता होगा, मतलब अरे यार मेरे को नहीं पता तुम तो छोड़ो। पर देखो इधर, ये एडिशनल कलेक्टर हो गया, उसके बाद में आईएएस होता है, ठीक है, तो आईएएस बन जाएगा। अगर आईएएस नहीं बने तो भैया आप वरिष्ठ प्रथम श्रेणी के बन जाओगे क्या, एडिशनल कलेक्टर, हाँ, अगर ये नहीं बना तो। अब ये बन जाएंगे तो, ये बन जाओगे तो इसकी सैलरी थोड़ी कम, उससे ज्यादा इसकी सैलरी रहती है, और ये बन गए तो फिर सैलरी क्या करोगे, लेके आईएएस तो बन गए और क्या करोगे सैलरी लेके, तो ये वाला पूरा सिस्टम रहता है। अगर मैं बोलूं तुमसे कितने साल लग जाएंगे, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था 16-17 साल लग जाते लगभग, तो 16 से 20 साल मान के चलो, क्योंकि 10 तो ये हो गए ना, 8 ये हो गए, तो 18-20 साल मान के चलो तुम लोग, तो डिप्टी कलेक्टर से आईएएस बनने तक का सफर तुम्हारा 20 साल का लगभग करेगा, और कि नहीं हमको नहीं हो रही थी सफर, तो जाओ यूपीएससी कर लो, जाओ तुमको दिखे जो करो, वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ये मेरे को गरज है इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है, बाकी इतना झेल लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।